गुड न्यूज़ ये है कि हमारा अक्टूबर का शुमारा भी आईना किस्मत मार्केट में दस्तियाब है। इस पर तहकीकी मज़ामीन हमने शाया किए हैं और ख़ास तौर पर वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए कि इसका अच्छा दौर कब से स्टार्ट होगा। ये आजकल एक बहुत अहम सवाल है जो मुलाजमीन से और ख़ास तौर पर हमसे पूछा जाता है। और इसके अलावा जो हमारा बिरादर मुल्क सऊदी अरेबिया है, इसके झंडे पे बड़ा मुकद्दस कलमा लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह पाक इस झंडे को सदा सरबुलंद रखे और हमारा जो हिलाली परचम है उसे भी सरबुलंद रखे। तो ये वो तहकीकी मज़ामीन है जिसका पढ़ना दिलचस्पी के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोग, ऐसे मुलाजमीन, बल्कि साथ को भी मैं हदिया करता हूँ, इल्म नजूम और तालिब इल्मों के लिए और आम कारीन के लिए भी इसमें बहुत सारी दिलचस्प मुफीद बातें हैं। बाजार से ये कापी दस्तियाब आप ख़रीद लें या जो नीचे नंबर आ रहा है इस पर आप अपनी मैसेज करके फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में इसकी PDF फाइल भी हमसे तोहफा मंगवा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वा आले मुहम्मद। शाज़िन जानी की वेब TV की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। प्रोग्राम आज के सितारे, आज 18 अक्टूबर और इतवार का दिन है। इतवार हफ्ते का एक ऐसा दिन है जो छुट्टी का दिन होता है। बहुत सारे बहन भाई आज अपने पेंडिंग काम निपटा रहे होते हैं, अजीज़ों का रब से मेल मुलाकात कर रहे होते हैं। बढ़ते हैं आगे कि आज आसमान पे कौन कौन से सितारे आपस में नज़रें बना रहे हैं। तो सबसे पहली जो ख़राब नज़र हमें मिली ये कमर और यूरानस की मुकाबला है, फिर कमर और अतारत का गिरान है, कमर जोरा का नईम दोस्ती की तस्दीस की नज़र है, कमर नेपचून की तस्दीस अच्छी नज़र है, कमर मुश्तरी की तस्दीस की नज़र अच्छी नज़र है। इसके बाद शम्स और जोहल का जनाब तरबी है, ये बहुत ही ख़राब नज़र है, और उसके बाद जोरा और नेपचून का मुकाबला, ये भी ख़राब, और कमर और फिर प्लूटो की नज़रें तस्लीस बनी हुई है। इन सब नज़रात में जो सबसे ज़्यादा ख़राब नज़र मुझे मालूम हुई है वो ये शम्स और जोहल का जो आज तरबी है ये बहुत ही ख़राब टाइम है। ये तकरीबन मगरब के करीब ये वक्त होगा, तो मैं आपसे ये एडवाइस करूंगा कि पूरा दिन ही, चूँकि ये स्लो सितारे हैं, शम्स 24 घंटे में एक दर्जा ही तय करता है और जोहल भी एक बहुत ही सुस्त सितारा है, ये नज़र 3-4 दिन पहले बन जाती है, 3-4 दिन बाद तक ये कायम रहती है। तो सदका और खैरात ज़रूर दें, अपने अहम और ख़ास कामों में आप मशावरत से चलें और जल्दबाजी से आप इतराज़ करें, ख्वाह वो ट्रैफिक की जल्दबाजी हो, ख्वाह वो आप कोई अहम काम अंजाम दे रहे हों, रिश्ते नाते तय करते हुए लोगों से ताल्लुकात में ख़ास तौर पर एहतियात की ज़रूरत है। हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में कि आज चांद किस बुर्ज में, तो चांद आज हमें बुर्ज मेज़ान में मिला। ये 12 मंथ का दरूज का 7वां बुर्ज है और इसका मालिक सितारा जोरा है, और जोरा एक खूबसूरती का सितारा है। ये घर की आराम आसाइश और तंजीन और आश और ख़ुशी के भी ये पैगाम देता है, लेकिन इसके लिए आपको खुशी समेटने के लिए आपको थोड़ी मुतवज्जो भी होना पड़ेगा। अपने घर की खुशियों में इजाफा करने के लिए आप घर वालों का मुश्तरका तौर पर भी सदका दें। आज हम देखते हैं कि किन बुरुज के लिए अच्छा दिन है। तो बुरज अमल, बुरज मैदान, बुरज सरदान और बुरज जदी वालों के लिए एक बेहतर दिन मालूम होता है। एहतियात के लिए बुरज कौस, सुमला और जनाब जौजा और हूत वालों के लिए कदर एहतियात की ज़रूरत है, जबकि सौर, असद, अकरब और दलब वालों के लिए एक मिला जुला बेहतर दिन मालूम होता है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं कि आज कौन से लकी नंबर्स आपकी खिदमत के लिए मैंने निकाले हैं। तो आज के जो लकी नंबर्स मैंने निकाले हैं आपको पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, तो ये नंबर्स जनाब हैं 6, 3, 9 और 2 और 1। ये चूँकि गिनती हमारी 1 से लेकर 9 तक है, तो मिले जुले ही नंबर्स आ रहे हैं, तो ये कुदरत की हिकमत और इत्तफाकात इसे कह लें। इन नंबर्स को उलट पलट करके आप प्राइज बॉन्ड नेशनल लॉटरीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अच्छी खबर यह है कि अलबिरूनी तकवीम 2020 और इसमें यंग एस्ट्रोलॉजर मुसव्वर जिनजानी साहब ने इनाम लकी नंबर्स को शामिल किया हुआ। 19 साल हो गए इस बुक को निकलते हुए और ये एक वक्त में एक बड़ी मकबूल किताब थी, लेकिन अपनी मसरूफियत की वजह से उन्होंने इसे अलबिरूनी तकवीम में जम कर दिया। अब नए साल की भी तैयारी हो रही है और अच्छी
ख़बर यही है कि इसकी आप PDF फाइल जो नीचे नंबर आ रहा है मंगवा सकते हैं। एक पूरे साल का छोटा सा इंसाइक्लो PDF है, और इनामत के असूल के लिए अल्लाह ताला का जो नाम है, जिक्र अजकार है, इसे ज़रूर करना चाहिए। आज जो अल्लाह ताला का नाम है, मैं आपको हदिया किया देता हूँ कि वो अल्लाह ताला का नाम है या गनी हूँ। इसके नंबर हैं 1060 अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूशी पढ़ के आप जो भी आपकी नेक हाजत हैं वो आप परवरदिगार से मांगें। अगर आपको औलाद चाहिए तो अल्लाह गनी है, आपको औलाद अता करेगा। अगर आपको रिस्क चाहिए, अल्लाह पाक वो अता करेगा। अलगर्ज आपकी जो भी नेक हाजत होगी परवरदिगार उसे अता करेगा। आखिर में ये सिलसिला रवानी था सैयद मीरा हुसैन शाह जंजानी, पीर भाई दादा गंज बशारी अजवेरी, ख़ानदान जंजानी आलिया का ये अदना सा फरजंद, अदना सा खादिम शाह जंजानी भी आप दुआ करते हैं कि आपकी जो भी नेक हाजत है वाला पाक आज ही के दिन और मगरब से पहले पहले भर लाए। ढेरों दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगा। मैं 76 ज़िंदगी का एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।